तो फ्रेंड्स 22 अक्टूबर 2008 को भारत से चंद्रयान फर्स्ट मिशन लॉन्च किया गया था। ये स्पेसिस मून पर कुछ ऐसी चीजें ढूंढता है जो पूरी दुनिया को हैरान कर देता है, वो था वाटर। और हम सभी जानते हैं कि हम हमेशा से एक ऐसे प्लेनेट या मून की तलाश कर रहे हैं जहां पानी या वातावरण हो, और अगर आपको जानना है क्यों तो आप मेरी इस वाली वीडियो को देख सकते हैं जिसका लिंक मैंने आई बटन पे दे दिया है। सो बैक टू द टॉपिक। सो इस खबर के बाद मून पर पूरी दुनिया की फिर से नजर पड़ गई। अब फिर से क्यों? दरअसल 1950 के दशक पर इंसानों को मून पर भेजा गया था, लेकिन वहां उन्हें ऐसा कुछ भी नहीं मिला। लेकिन इंडिया के चंद्रयान फर्स्ट के मिशन के दौरान जब इंसानों को पता चला कि मून पर पानी है, तो दुनिया भर की स्पेस एजेंसी वहां पे अपने स्पेसशिप भेजना शुरू कर दिए। लेकिन इंडिया के लिए ऐसा करना आसान नहीं था और उन्हें बहुत सी सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। और इसलिए मैं आपको इस वीडियो में चंद्रयान 1 से लेकर चंद्रयान 3 तक के मिशन के स्टोरी को बताऊंगा, और ये भी कि आखिर कैसे इसरो की शुरुआत हुई। सो हे गाइस, इट्स मी महताब अहमद और आप देख रहे हैं यूनिक वर्ल्ड। सो जैसा कि हम जानते हैं कि इसरो, जिसका फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ये भारत की एक स्पेस एजेंसी है जिसे 1962 में भारत सरकार द्वारा स्थापित किया गया था, जिसका कार्यालय कर्नाटक राज्य के बेंगलुरु शहर में है। और अगर इनके फाउंडर की बात करें तो इनके फाउंडर थे श्री विक्रम साराभाई। सो चंद्रयान भारत पर पहला मिशन चंद्रयान 1 को 22 अक्टूबर 2008 को श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया था। अंतरिक्षयान चांद की सतह से 100 किलोमीटर ऊपर चक्कर काट रहा था, और इस चंद्रयान का मिशन था मून पर जियोलॉजिक मैपिंग करना और वहां की फोटो खींचना। अपने सारे मिशन को कंप्लीट करने के बाद मई 2009 में ऑर्बिट में 200 किलोमीटर ऊपर चला गया था। 29 अगस्त 2009 को इसरो का अंतरिक्ष यान से संपर्क टूट गया था, लेकिन अब भारत का सपना था कि चांद पर भारत के झंडे को फहराने का। 22 जुलाई 2019 को 2:43 पे भारत ने चांद की ओर एक और कदम बढ़ाया। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से GLV मार्क 3 AM-1 द्वारा चंद्रयान 2 को लॉन्च किया गया। ये यान चांद के ऑर्बिट में प्रवेश कर गया। इसका मिशन था चांद की सतह पर सेफली लैंड करना और चांद के सतह पे एक रोबोट यानी कि रोवर को भेजना। लेकिन 2 सितंबर को ध्रुवीय कक्षा में चांद के चक्कर लगाते समय लैंडर विक्रम अलग हो गया। वो सतह से 2.1 किलोमीटर की ऊंचाई पर लैंडर का स्पेस सेंटर से संपर्क टूट गया, और इसी के साथ हमारा चंद्रयान 2 मिशन फेल हो गया। लेकिन इंडिया ने हार नहीं माना। भारत का तीसरा मून मिशन यानी कि चंद्रयान 3 23 अगस्त 2023 को 6:04 पे मून पर लैंड कर गया, और साथ ही भारत दुनिया का पांचवा ऐसा देश बन गया जिसने चांद के सतह को छुआ है। लेकिन ये 2019 को ही हो गया होता अगर चंद्रयान 2 मिशन फेल नहीं हुआ होता। लेकिन अब क्या? तो इसरो ने अपने आगे आने वाले मिशन के बारे में बताया है। इसरो अभी एक ऐसे स्पेसशिप पे काम कर रहा है जो भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को मून पे भेज सके, जिसका नाम गगनयान है। सो फ्रेंड्स, ये थी एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री इसरो की। मैं जानता हूँ कि मैंने इस वीडियो में बहुत सारी चीजें मिस कर दी हैं, लेकिन क्या करूँ, मुझे ये वीडियो बहुत ही ज्यादा जल्दी में बनाना पड़ा है। इसलिए अगर मैंने कुछ मिस कर दिया हो या फिर कुछ गलत बोल दिया हो तो प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा। सो अगर ये वीडियो पसंद आ ही गया हो तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और मैं फिर मिलूंगा किसी और वीडियो के टाइटन के साथ। तब तक के लिए सी यू लेटर।